इरादे, सब्सक्राइब कीजिए सुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे सुनीता निटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। अब तीज आने वाली है तो तीज से त्यौहार शुरू हो जाएंगे। आप इस ड्रेस को हरियाली तीज पे, रक्षाबंधन पे, जन्माष्टमी पे हैवी लुक देकर बनाकर पहना सकते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग ड्रेस है। तो देखिए इसमें आप अगर मुकुट नहीं भी पहनाएंगे तो ये बैक साइड से जो चक्कर आया हुआ है ये देखिए, इससे ये बहुत ही सुंदर लग रही है। इसमें स्पेशल चोली नहीं बनाई है हमने। यहाँ पर जब कान्हा जी ज्वेलरी पहनेंगे या मुकुट भी पहनेंगे, अच्छे से तैयार होंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। सिर्फ मैंने आपको पहना के दिखाई है। तो ये बिल्कुल अलग किस्म की एक ड्रेस है जो आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। चलिए तो ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। हमने पहले से ही कुछ तैयारी करी हुई है क्योंकि हमेशा हम लगाते हैं। तो जी देखिए बिल्कुल मैंने कोई लाइनिंग नहीं इस्तेमाल की, मैं बिल्कुल सिंपल ड्रेस बना रही हूँ। ये थोड़ा सा हल्का सा इसमें सिल्क है, इसे टेक्सचर सिल्क भी कह सकते हो आप, या फिर थोड़ा सा मतलब अच्छा सॉफ्ट कपड़ा है, ये मुझे नाम नहीं पता लेकिन टेक्सचर सिल्क की तरह ये लगता है देखने में। तो इसके लिए हमने ये अलग घोटा जो हमेशा ड्रेस में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर यही होता है इस्तेमाल। और ये हमने एक डोरी है जिसे हम, ये देखिए बहुत बारीक है, और इसी को मैंने इसमें बीच में से सिलाई करके लगाया है। तो ये घोटा मैंने इसी तरीके से लगाया, कहीं भी इसमें मार्जिन नहीं रखा है। इस घोटे को इस तरीके से रख के, ये कपड़ा देखिए आधा ऐसे रख के और उसके ऊपर इस तरीके से रख के हमने यहाँ किनारे की सिलाई लगाई है। ये देखिए क्योंकि सिल्क का है थोड़ा सा धागा तो ये निकल जाएगा, तो इससे एक तो ये बाइंड हो जाएगा और थोड़ा फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो ये हमने एक लंबा कपड़ा लिया है जो 2 इंच चौड़ा है और 12 इंच लंबा है। ये जो ड्रेस है हमारी 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए हम बना रहे हैं। मतलब 4 नंबर कान्हा जी, 3 को थोड़ा लूज आ जाएगी तो 4 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल ठीक आ जाएगी, लेकिन ये ड्रेस ऐसी है कि इसको फिटिंग किया जा सकता है। तो ये देखिए 12 इंच हमने ऐसे लिया है और ये लिया हमने 2 इंच के करीब, थोड़ा सा फालतू है। ये देखिए एक हिस्सा ये बनाया हमने जिसपे इस तरीके से हमने घोटा लगा दिया, और ये हमारा नीचे घेरे का है जो कि हमने 24 इंच लंबा लिया है इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा मेरा कम है ये कपड़ा, पर 24 इंच आपको लेना है, इसका डबल लेना है। ये जो हमने पट्टी ली है इसका हमने डबल लिया है, और ये हमने चोली के हिसाब से लिया इसकी चौड़ाई। ये देखिए क्योंकि हमारे 4 नंबर कान्हा जी की चोली जो होती है 2 इंच होती है, तो 2 इंच के हिसाब से हमने चौड़ाई ली है। तो थोड़ा मेरे पास कपड़ा कम है, ये आप 4 इंच लेंगे, ये थोड़ा सा मेरा कम है, पर ये थोड़ा सा इसमें घेरा कम चल जाता है। तो इसमें हमने 4 इंच घेरा लेना है, ये हमारा 3.5 है, तो ये हमने इसका डबल ले लिया। अब ये आप कहेंगे कि भी घेरे की लंबाई किस हिसाब से लेनी है, तो ये आप जितना भी ज़्यादा अच्छा हैवी बनाना चाहिए, जैसे इसमें मैंने ज़्यादा हैवी बनाया एकदम गोल, नहीं तो हम 6 गुना, जैसे मैं अपने छोटे कान्हा जी की ड्रेस बनाई है जो मैंने, उसका मैंने 12 इंच घेरा बनाया तैयार किया है, क्योंकि उनकी जो कमर होती है इस तरीके से हम लेते हैं तो उसका हम 6 गुना लेते हैं। तो छोटी सी कमर होती है तो कमर के हिसाब से आपके, जैसे 4 इंच कान्हा जी हैं तो उनकी, सॉरी 4 नंबर कान्हा जी की है तो उनकी कमर इस तरीके से आप गोलाई में देखेंगे तो उसका 6 गुना लेना है, लेकिन इसमें हमने इसी का ही डबल लिया है। तो इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ, उसका बस आपको यहाँ नीचे डबल ले लेना है। तो ये मैंने कैसे लिया, जैसे 2 इंच हमारी चोली है तो इसका हम 6 गुना लेंगे। ये देखिए 2 × 2 = 2 × 4 = 2 × 6 = 2 × 4 = 2 × 10 = 2 × 6 = 12। तो इसका हमने डबल लेना, कोई भी आप साइज लेते हो, आपका 2.5 है, 3 है, जो भी है, उसका 6 गुना आपने कपड़ा लेना है, उसका डबल नीचे का लेना है। सिंपल सा हिसाब है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको इस तरीके से चुन्नटें डाल लेनी है और इसमें भी आपको चुन्नटें डाल लेनी है। तो इसमें आप धागा खींच कर कच्चा करके चुन्नटें डाल सकते हैं। जो चुन्नटें आपको तैयार करनी है आपको 3 गुना, यानी कि इतना इसका आधा, ये देखिए इसका आधा, इतने में आपको चुन्नटे करनी है। तो आप नाप लीजिए, थोड़ा ज़्यादा डालनी है तो ज़्यादा डल जाए, कम है तो कम। तो मैं धागा खींच के डालती हूँ या फिर सीधी डायरेक्ट मैं मशीन के ऊपर डालती हूँ। तो आपको यहाँ पर चुन्नटे डाल के तैयार कर लेना है इसका हाफ इस तरीके से। और इसमें भी जो है इसका, ये देखिए इसका मैंने हाफ किया है, तो इसका इतना इतना जो है कान्हा जी के लिए बहुत रहती है,
और इतना ही चुन्नटे इसमें डाल लेने, लेकिन इसमें आप 1 इंच लूज रखिएगा क्योंकि हम ऊपर से डोरी डालने वाली इसमें वो मतलब कि कमर बनाएंगे जिससे आप टाइट कर सकें, तो इसका थोड़ा सा लूज भी चल जाएगा। तो ऐसे चुन्नटे डाल के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे मशीन में मैंने कपड़ा रख देती हूँ और ये सुई को मैं नीचे की तरफ करती हूँ और इस तरीके से पैर को ऊपर उठा के तो धीरे धीरे ऐसे हाथ से उंगलियों से ऐसे, चाहे तो आप अंदर ही रखिए और इस तरीके से आप खिसकाएंगे कपड़े को तो आपकी बारीक बारीक चुन्नटे आ जाएंगी। देखिए आपको कोई नापना नहीं है, इस तरीके से जब ये पूरा यहाँ तक भर जाए चुन्नटों से तो फिर आपको इस तरीके से मशीन को चला देना धीरे धीरे, फिर सुई को नीचे करना है, फिर आपको चुन्नटे इस तरीके से आगे की तरफ आप ऐसे खिसकाएंगे ना तो थोड़ी थोड़ी आपकी चुन्नटे इस तरीके से आएगी। देखिए तो ऐसे ही आपको चुन्नटे डालनी है। तो देखिए हमने दोनों में चुन्नटे डाली है। आप ये जो चुन्नटे देखिए बहुत ही बढ़िया चुन्नट डलती है, बहुत बारीक बारीक, बहुत ही आसान तरीका है। आपका कपड़ा अगर फालतू है तब भी ये चुन्नटे डाल सकते हो, ज्यादा मतलब कि थोड़ा कम है तब भी आपकी ये चुन्नटे बहुत अच्छी डलेंगी। आप किसी भी रफ कपड़े पे मशीन पे जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कभी भी दूसरे चुन्नटे नहीं डालेंगे, इसी से आप जो है ड्रेस बनाएंगे क्योंकि बड़ी प्यारी चुन्नट आती है। ये देखिए कितनी अच्छी से गोलाई आई हुई है। तो ये हमने और ये देखिए चुन्नटे डाल दिए। तो ये देखिए हमने चुन्नटे डाल लिए हैं इसमें चुन्नट, इनको चुन्नटे बोलते हैं जो हम इस तरीके से खींच के बनाते हैं, इस तरीके से डालते हैं, इनको चुन्नटे कहते हैं। प्लीट्स जो होती है हमारी वो इस तरीके से डलती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 इंच है, हमें 2 प्लीट्स डालनी, तो 1-1 इंच की हमने इस तरीके से डाल दी, तो इस तरीके से वो प्लीट्स डलती है, तो उसका हिसाब अलग होता है। तो ये चुन्नटें होती हैं, ये बहुत ईजी होती हैं, अगर आपको एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत ही अच्छा, इसमें आप चुन्नटों को ज़्यादा या कम आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरी ज़्यादा हो गई तो मैं एक बार और सिलाई करके फिर इसको इस तरीके से दबा दूंगी, फिर ये कम हो जाएंगी और इसमें कोई फिनिशिंग में फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो, नहीं तो आप धागे से खींचिएगा, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो हमने इस तरीके से प्लीट्स थोड़ी ये चुन्नटें डाल ली हैं, तो इनको हम नाप लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बताया इसका आधा हमने चुन्नटे डालनी, यानी कि हमारा 12 इंच था तो हमने 6 इंच इसकी चुन्नटे डालनी है। तो यहाँ से किनारे से हमने इंच टेप रखा, तो ये देखिए हमारा 5 इंच के करीब है, इसका मतलब 1 इंच हमारी कम है। लेकिन आप इसको खोलेंगे नहीं अभी, खोल के हम इसको ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से नाप लेना है इस किनारे से और यहाँ से जहाँ से हमने ये चुन्नटे नहीं, ये जो किनारा है इसको इस तरीके से खींच कर हमने नापना है। तो ये देखिए हमारी खींच कर जो है 8 इंच आ रही है, थोड़ा सा कम आ रहा है, तो इसका मतलब हमें चुन्नटे नहीं खींचनी। अब आप कहेंगे पहले तो बोलते हैं कि चुन्नटे इतनी, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चुन्नटे 6 इंच और ये जो 2 इंच है ये, यानी कि 6 और 2 ये जो चौड़ाई है, तो 8 इंच, 8 इंच हमारा टोटल होना चाहिए। तो ये हमने इस तरीके से खींच के दोनों तरफ से ऐसे किया तो ये हमारा 8 थोड़ा सा कम आ रहा है, देखिए 7.5 आ रहा है। तो खींचने से कई कपड़ा ज़्यादा खिंचाव होता है तो आधा इंच हम कवर कर सकते हैं, यहाँ पर जो हम डोरी लगाएंगे पीछे बांधने वाली तो उसमें हम कवर कर लेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आधा 1 इंच जो कम पड़ जाता है तो उसको हम डोरी को आगे बढ़ा देंगे। और इसको भी हमने देख लेना है 6 इंच होना चाहिए, इसको भी हमने आधे करना था, अरे ये 7 भी हो जाएगा जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारे पूरा 6 इंच ही है। तो इसमें क्या करना है, जो हमारी बेल्ट डलेगी उसमें हम कमर को टाइट या लूज कर सकते हैं, तो क्योंकि इसके ऊपर हमारी लगेगी बेल्ट। तो अभी हम दोनों चीज़ें तैयार कर ली हैं, अब हम घेरे को अलग रखते हैं, इसको लेते हैं, इसमें फिर से हम अपना घोटा ले लेते हैं याला जो हमने यूज़ किया है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम कट कर लेंगे, ये देखिए इन कोनों को आपको ऐसे मिलाना है, ये देख ये जो कोने हैं इस तरीके से, और यहाँ से आपको तिरछा थोड़ा सा शेप दे देनी है आपको इजी रहे लगाने में। ये देखिए ये जो कोना बाहर निकला हुआ है इसको हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे कट कर देंगे, यानी कि ऐसे तिरछा काट देंगे जिससे कि आपके ये बिल्कुल ऐसे सीधा होए। तो यहाँ से थोड़ा सा डोरी हमारी जो हमने कहा पीछे बांधने वाली इस तरीके से छोड़कर यहाँ से हम इसको कवर करेंगे, इसके अंदर से ये चुन्नटों को इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए अगर आपका ये ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा किनारे की जो है सॉरी यहाँ से कटिंग कर लेंगे जिससे ये अंदर अच्छे से दब जाए। तो इस तरीके से दबाते हुए हमें पूरा यहाँ पर और यहाँ से हमने डोरी छोड़ देनी है, तो इसको हमने ऐसे ही बनाना है बस। तो देखिए हमने इसको बारीक काट दिया जिससे घोटे के अंदर आ जाए,
इसको इस तरीके से मोड़ कर पहले यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको दबाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से गोटे के बीच में दबाकर सिलाई करते पूरा सिलाई कर देंगे। ये देखिए, ये जो हमने कट किया था इसको भी इसी तरीके से सीधा, ये देखिए ऐसे दबाना और ये सिलाई इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा सिलाई करके फिर हमने यहाँ दबाते हुए सीधा, ये देखिए इसलिए कट किया था ऐसे दबाते हुए, हम पूरा सीधा हमने इसको दबा दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है, इसको हमने और कुछ नहीं करना। ये देखिए हमने एक कपड़े पे यहाँ किनारे पे घोटा लगा लिया है और यहाँ से हम ये देखिए इस तरीके से सिलाई करेंगे और पहले ऐसे सिलाई करके इसको जोड़ देंगे, फिर इसको ये सीधी साइड है जो हमारी, यहाँ पर हम ये घोटे वाली साइड को ऐसे लाके यहाँ के किनारे की बख्या कर देंगे। एक तो यहाँ पर सामने की तरफ घोटा आ जाएगा और इसके अंदर हम डोरी डाल देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ से सिलाई लगा के इस तरीके से पलट के ऊपर से सिलाई लगा दी, जिससे ये हैवी हो गई है, बहुत हैवी लुक आ रहा है देखिए अब ड्रेस में। और ये हमने गोल्डन कलर की डोरी इसके अंदर सेफ्टी पिन की तरफ हेल्प से डाल दी है। अब यहाँ पर चाहे आपकी कमर बड़ी हो चाहे छोटी हो, सॉरी छोटी तो नहीं, बड़ी होगी, तो इसको हम इस तरीके से कमर पे से फिटिंग कर देंगे, जिससे कि आप कितना भी चाहे कान्हा जी की इस तरीके से देखिए फिटिंग आएगी। तो ये ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई है, अब इसे पहना के देखते हैं कैसे पहनाना है। चलिए ये डॉल को हम ड्रेस बना के देखते हैं, क्योंकि ये जो डॉल है इसको मैं 3-4 साइज बना देती हूँ, क्योंकि ये रबड़ का होता है तो थोड़ा सा फिटिंग में अगर इसको कमर छोटी होगी तो टाइट करके हम पहना देते हैं, तो थोड़ा दिखाना होता है। तो एक तो सिंपल सा ये है, कमर पे आराम से ये इस तरीके से खोल कर हमने ये देखिए यहाँ से इस तरीके से, और ये ऐसे हमारा कमर पे टाइट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ मतलब कि छोटा आ रहा है, लेकिन इसको हम टाइट करके ऐसे बांध देंगे, क्योंकि हमारी जो डॉल है 4-5 नंबर को अच्छे से आती है, सॉरी 5 और 6 नंबर के हिसाब से साइज है इनका, तो ऐसे हम पहना देंगे पहले। तो ये देखिए हमने इस तरीके से टाइट करके पहना दिया, क्योंकि रबड़ है तो थोड़ा सा डॉल, इसलिए देखिए तो ये घेरा हमारा इस तरीके से आएगा। अब हमारा ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर हमारी ज्वेलरी आएगी, यहाँ पर हमने ज्वेलरी से जो है कान्हा जी को ढकना है। तो ये हमारा पीछे की तरफ से इस तरीके से, ये देखिए थोड़ा सा नया लुक दे रहे हैं हम, ये देखिए। चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसको 2-3 तरह से आप पहना सकते हैं, इस ये देखिए यहाँ पर ऐसे बांध सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा ऐसे भी लग रहा है, लेकिन इसमें ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाई जाएगी, पर ये जो है आप इस तरीके से पहनाएंगे। देखिए ये जो है पीछे हाथ के बैक साइड से निकालना आपको, यहाँ से कान्हा जी का हाथ निकलेगा और ये दोनों। तो ये जैसे मैंने बताया डोल हमारा थोड़ा सा बड़ा साइज का है, ये देखिए इस तरीके से, और ये जो डोरी हमारी है बैक साइड में, ये देखिए यहाँ से कमर पर बंध जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमने पहनानी है, क्योंकि साइज छोटा है डॉल हमारी बड़ी है, तो यहाँ से ज्वेलरी पहनाएंगे, तो इसका पहनाने का ये तरीका है। तो ये हमने इस तरीके से ड्रेस को बनाया, जिससे कि पीछे की तरफ जो चक्र होता है वो बनाने की कोशिश की है, और आगे हमने जो है ज्वेलरी वगैरह पहनाएंगे, तो कान्हा जी को आप किसी भी तरीके से अच्छी ज्वेलरी पहना के सजा सकते हैं, और ये चक्र का काम करेगा पीछे की तरफ से, और इसलिए हमने थोड़ा सा ड्रेस को भी ऊंचा बांधा हुआ है, ये देखिए। तो मुझे उम्मीद है ये ड्रेस आपको पसंद आई होगी। तो ये आप हैवी लुक में इसको बना सकते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर बना सकते हैं, स्पेशल किसी फेस्टिवल पर आप इस तरीके की ड्रेस को बनाकर पहना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हैवी लुक देगा। ये मैंने बनाई सिंपल है, ज़्यादा हैवी नहीं किया, लेकिन आप इसको हैवी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।